दुनिया परेशान है सास बहू के रिश्तों में और किसान परेशान है कर्ज की किस्तों में। जय सियाराम, सलाम, क्या हाल है आपके? आप सब ठीक ठाक? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। मैं बिल्कुल मस्त। और आप सोच रहे हो कि मैं उड़ता उड़ता पहन के इतना टंच मंच हो के कहाँ जा रहा हूँ, नेता वेता बन रहा हूँ? खैर, मेरा कोई प्लान नहीं है अभी नेता वेता बनने का। तो मैं आपको एक व्यक्ति से रूबरू कराता हूँ, उनका नाम है निखिल शहरावत जी। तो फिलहाल निखिल शहरावत जी जो किसान यूनियन नेता है अभी हमारे क्षेत्र के, मैं उनका बहुत ही आभारी हूँ जिन्होंने हमें आमंत्रित किया है और संदेश भेजा था आमंत्रित करने के लिए कि आए किसानों के लिए मीटिंग है। तो मैं आज आपको वहाँ पे लेके जाऊँगा, किसान की किस तरह से होती है, क्या होता है, और ये सारा क्रेडिट गोज़ टू निखिल शहरावत जी का है। निवासी ग्राम चमोला, युवा किसान नेता है। और बहुत ही खुशी हुई, बहुत ही अच्छा लगा कि एक युवा किसान नेता अपना समझ रहा है इस बात को कि किसानों की प्रॉब्लम को लेके सॉल्वेंट करने के लिए बातें पहुंचा रहा है लोगों तक। और बातें युवा पीढ़ी इस बात को समझती है कि किसान की वैल्यू क्या है। तो फिलहाल मैं चलता हूं, आपको लेके जाता हूं निखिल शहरावत जी के पास, और आगे का प्रोग्राम वो बताएंगे। निखिल शहरावत जी, एक बार अपना परिचय दें और बताएं आपने क्या मीटिंग रखी, किस तरह से क्या व्यवस्था। मेरा नाम निखिल शहरावत है, मैं ग्राम चमरौला से हूँ। आज भारतीय किसान यूनियन टिकैत की जो मीटिंग है वो नांगल सोती के अड्डे पर है जी। किस उपलब्ध में है, क्या ये क्या? इस उपलब्ध में है जो हमारा संगठन था भारतीय किसान यूनियन अम्बावता, पूरा का पूरा संगठन भारतीय किसान यूनियन टिकैत में विलय हो चुका है। तो कौन कौन आ रहे हैं इसमें? जिला अध्यक्ष सोनू चौधरी जी, और मंडल अध्यक्ष बाबूराम तोमर जी जी, और प्रदेश उपाध्यक्ष राजेंद्र सिंह जी, और बहुत सम्मानित लोग यहाँ पर आ रहे हैं। तो ये किसान यूनियन है जिस तरह सबको पता है कि इस टाइम कर्ज में परेशान है, तो उसके बारे में कुछ चर्चा होगी या कुछ ऐसे ही बस? नहीं, उसके बारे में सब बारे में चर्चा होगी, सब अपनी अपनी बात रखेंगे, किसान मजदूरों के लिए, सबके लिए सब बात रखी जाए। तो आप इतने अपने कंधों पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी लेकर किसान यूनियन में हो और युवा किसान नेता हो, तो क्या कहना चाहोगे सभी दर्शकों से? बस सभी से यही अपील है, ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ो, जितने ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ेंगे उतने ही हमें मजबूती आएगी और उतने ही हम फिर सरकार के सामने अपनी बात रख पाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। चलो अपना प्रोग्राम दिखाते हुए होगा, अगर हम इनके कंधे से कंधा मिलाएंगे, इनकी यूनियन से जुड़ेंगे, इनसे जुड़ेंगे तो इनके कंधे मजबूत होंगे। आप ये बात याद रखें कि ये हमारा जो मुल्क कामयाबी की तरफ जो आगे बढ़ रहा है वो एक नारे के साथ बढ़ रहा है, जय जवान जय किसान। और अगर यही तो नारे फेल होते हैं, यानी कि अगर इन दो नारों को टारगेट बनाकर परेशान किया जाता है जवानों को और किसानों को, तो मैं समझता हूँ मुल्क हिंदुस्तान ही नहीं, कोई सा मुल्क भी कामयाबी की तरफ नहीं बढ़ेगा। अनाज कहाँ से मिलता है, हमें चावल कहाँ से मिलते हैं, हमें शक्कर कहाँ से मिलती है, खाने पीने का सामान कहाँ से मिलता है? जब मिलता है कि जब ये किसान अपने खून को जमीन के अंदर गिराते हैं, जब जमीन के अंदर वो खून मिलता है उसी खून से अनाज उगता है, उसी खून से चावल उगते हैं, उसी खून से गन्ना उगता है, और तभी जाकर हिंदुस्तान खाता है, पीता है और सुकून से रहता है। मैं जब मर जाऊं मेरी ये पहचान लिख देना, कफन के एक एक कोने पे हिंदुस्तान लिख देना, और मिटानी है हमें नफरत के घर की दीवारें, कहीं मैं राम लिख दूं तो कहीं तू रहमान लिख देना। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात, मौलाना जी ने बहुत अच्छी बात रखी। चार साल बलिया है जवान हुए, अग्निवीर बना दिए, नाम कितना बड़ा कर दिया अग्निवीर। चार साल बाद जाकर रोड रोकेंगे, फिर चार साल की नौकरी करते अग्निवीर की, उसके बाद क्या रोड बांधेंगे, क्या देख करिए। तो इस सरकार ने किसान की और जवान की बेइज्जती करी। माननीय मंडल अध्यक्ष बाबूराम तोमर जी, प्रदेश उपाध्यक्ष चौधरी राजेंद्र सिंह जी, जिला सचिव सुनील कुमार जी, वीरेश राणा जी, लोक महासचिव आयुष तोमर जी, युवा तहसील अध्यक्ष और संचालन महोदय, जिला महासचिव विजय पहलवान जी, सम्मानित मंच, और जो भी आज इतनी गर्मी में मौसम का सबको पता है इतना समय निकाल के यहाँ आए हैं, मेरे बुजुर्ग बैठे हुए हैं, मेरे नौजवान साथी बैठे हुए हैं, और रमजान का महीना चल रहा है, इतना शिद्दत का महीना है ये, जो मेरे
भाई यहां रमजान में भी टाइम निकाल कर अपने आए हैं, उनका सबका इस्तकबाल, सबका स्वागत, सबका अभिनंदन, बार बार सबका अभिनंदन करता हूं। सब लोग जानते हैं कि मैं और मेरी पूरी टीम, मेरे साथी भारतीय किसान यूनियन अम्बावता संगठन बिजनौर में चला रहे थे, लेकिन हमें कहीं ना कहीं कमजोरी दिखाई दे रही थी संगठन के अंदर। महात्मा महेंद्र टिकैत जी की आत्मा इस संगठन में जुड़ी हुई है, उनके आशीर्वाद से संगठन चल रहा है, और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत जी किसानों को एक साथ लेकर चल रहे हैं। आपने देखा है जब अभी आंदोलन था, तीन काले कानून भारत सरकार ने किसानों पर ला दिए थे, तो चौधरी राकेश टिकैत जी, नरेश टिकैत जी संघर्ष किया दिल्ली के अंदर, सारे संगठन इकट्ठा हुए, चौधरी साहब ने कदम पीछे नहीं हटाया। आखिर हालात ये हुए कि हट्टी सरकार को भी पीछे हटना पड़ा, लेकिन चौधरी साहब कितनी इन्होंने जाल बिछाए, कितने संगठनों को तोड़ने की कोशिश करी, लेकिन चौधरी साहब अपने पक्ष से एक कदम भी पीछे नहीं हटे। उसी की देन है जो काले कानून वापिस हुए, और आज हम और आप यहां बैठे हुए हैं, हमारी फसलों के दाम मिल रहे हैं, और आज हम अपनी फसल को अपने तरीके से बेच सकते हैं। ये सब चौधरी साहब की देन है। चौधरी साहब निस्वार्थ किसानों की सेवा कर रहे हैं देश के अंदर। तो हमने भी सोचा, हमारी पूरी टीम ने अपना मंथन किया, मैंने कहा चौधरी साहब के कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे, चौधरी साहब के नेतृत्व में किसानों की लड़ाई लड़ेंगे। इस संगठन में आए हैं, कोई वर्चस्व की लड़ाई लड़ने नहीं आए, किसी को छोटा दिखाना नहीं आए, आए हैं किसानों का काम करने, सबके कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे, सब लोग एक साथ रहेंगे। कोई वर्चस्व का मामला यहां नहीं है। कोई भी अगर आपसे रिश्वत मांगता, कोई भी शोषण करने की कोशिश करता, एक बार बता दे और जाकर इलाज कर दिया जाएगा, पूरी टीम आपके साथ। भाई इसी के साथ आपका बार बार धन्यवाद, सबके चरणों में सिर झुकाकर नमन करता हूं। किसान कृषि प्रधान देश में यो ऐसी भी डबना है जो सड़क पर किसान है। संचालन की कड़ी को पढ़ाते हुए मैं अपने समय में ऐसे निवेदन करूंगा, समय में बनेड़ा वो आए अपने विचार रखे, समय में बनेड़ा सवाल है अध्यक्ष जी और दूर दराज से आए मेरे किसान भाइयों, आज जो हम इकट्ठा हुए हैं किसानों की एकता के लिए इकट्ठे हुए हैं। हमारे टिकैत जी ने, राकेश जी ने किसानों के लिए बहुत मेहनत की है, और हम उनके हाथों को मजबूत बनाना चाहते हैं। हमारे टिकैत जी के हाथ मजबूत होंगे तो किसानों के हाथ मजबूत होंगे, किसानों का मान सम्मान होगा, किसानों की हर जगह पूछ होगी। अगर हम कष्ट देंगे तो हमारा संगठन मजबूत होगा। मेरी नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल सभी किसान भाइयों ने बड़ा कीमती वक्त निकाल कर यहाँ हमारे शिव कुमार जिलाध्यक्ष जी के पास वक्त दिया, सभी किसान भाइयों का मैं आभारी हूँ, अभिनंदन हूँ करता हूँ। धीरे आज फिर सब एक मंच पर आ रहे हैं, सब एक कदम दूसरे की तरफ बढ़ा रहे हैं, और सारे भाई इकट्ठा होकर फिर आदरणीय चौधरी नरेश टिकैत जी के नेतृत्व में भारतीय किसान यूनियन को मजबूत करने के लिए हम सब एक साथ खड़े हैं। मित्रों, हमें आवश्यकता है आप लोगों की, हमें जरूरत है किसानों की, हम कुछ नहीं कर पाएंगे आपके बिना। जहां किसान का उत्पीड़न है वहाँ भारतीय किसान यूनियन के सिपाही, भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता आप लोगों के साथ खड़े हुए दिखाई देंगे, ये हम आपसे वादा करते हैं। आशीष कुमार जी आए हैं और बहुत लोग आए हैं, इतने साथी आए लौट के भारतीय किसान यूनियन में आए हैं, उन सबका मैं प्रदेश उपाध्यक्ष होने के नाते सबका बारम्बार स्वागत करता हूँ, और उनसे निवेदन करता हूँ कि हम सबको उसी तरह से इस क्षेत्र से भारतीय किसान यूनियन को मजबूत करना है जिस तरह से 10 साल पहले यहाँ भारतीय किसान यूनियन मजबूत थे। मित्रों, मुर्गी पर यहाँ अधिकारियों की पैंट गिल्ली हो जाया करती थी, आपको याद होगा, और वह समय दोबारा से आपके सामने आ गया।
ये अधिकारी जो दफ्तरों में बैठ के आपकी बात नहीं सुनते, आपका काम नहीं करते, उन सबको सबक सिखाने का इलाज बाबा टिकैत के सिपाही करेंगे। हमारा आपसे वादा है कि आज के बाद यहाँ से लेकर बिजनौर तक इस रोड पे गांव गांव में आपके कार्यकर्ता खड़े मिलेंगे। हम सब मिलकर भारतीय किसान यूनियन को पूरा मजबूत करने का काम करेंगे। और सभी साथियों से अनुरोध करूंगा कि मित्रों, दिलों की ये पीड़ा मिटा दो, ये दुनिया मिटा दो, और सब एक साथ होकर अपने किसान का भला करने का काम करो। हमें कोई विरोध नहीं है, सब लोग एक मंच पे एक साथ है। किसी आज इलाजल जी को भी यहाँ पहुँचना था, लेकिन किसी कारण उनकी तबीयत खराब हो गई और हमारे बीच नहीं पहुंच पाए, लेकिन आप लोग इस चीज को माइंड में करना मित्रों। यहाँ उपस्थित हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष चौधरी राय सिंह जी, मंच पर उपस्थित हमारे मुख्य जिला महासचिव आपके क्षेत्र के सौगात जी के साथ में है नवनियुक्त जिला मुख्य महासचिव विजय पहलवान जी, जिला सचिव चौधरी सुनील जी भाई, काले भाई का नाम काले भाई पता, मोनू भाई पता, और रोहित जी हमारे ब्लॉक के महासचिव भाई विजय राणा जी, और युवा तहसील अध्यक्ष आयुष कुमार भैया, एक अंबाव का नाम होता था, हम तो यही कहेंगे होता था। My hand's steady, I feel ready, but my leg's heavy, I don't get it, how come I haven't hit it already, still working, I'm still learning, I'm still searching, finally earning something, finally turning, something called a profit, if I hear you talking shit, don't get caught in it, I'll be popping off and hit your ass, dropping all your shit, yeah I promise this, I got promises, you ain't stopping this, cross my shit, you'll be knocked unconscious bitch, that's the consequence, I got this, I will not quit, man I'm on it, honest, I'm gonna launch quick, then I'm gone, it's just a matter of time. Before I'm over the prime and moving under my prime, just quit my 9 to 5. I'm rocking, they watching, cause it's shocking. Dropping all these top 10 songs, no stopping. It's time to live my life, it's time to live my die. Wish I could slow down time and just enjoy the climb. And I'm the one to get it, bruh. I swear to God, I get it, bruh. And I'm the one to get it, bruh. So don't just let me. Barambar, dhanyavaad. Adarnya Mandala Dekh. बाबू राम तोमर जी का कुमार के लिए ये भी कहोगे कि खून बलिदान करना तो कदम पीछे नहीं हटाने का, खून ही बलिदान कर दो। और इसके बाद और क्या कहूँ, सब लोग आप मेरी कार्यशैली से परिचित है, सब लोग घर के लोग बैठे, बारंबार स्वागत और बारंबार धन्यवाद करते हैं गौरमंडल समय। करते हुए शिव कुमार जी करेंगे तालियों से स्वागत हो जाओ जी। आप चौड़े हो जाओ, चौड़े हो जाओ। But my legs heavy, I don't get it. How come I haven't hit it already? Still working, I'm still learning, I'm still searching, finally earning something, finally turning, something called a profit. If I hear you talking shit, don't get caught in it. I'll be popping off and hit your ass, dropping all your shit. Yeah, I promise this, I got promises, you ain't stopping this. Cross my shit, you'll be knocked unconscious, bitch. That's the consequence. I got this, I will not quit. Man, I'm on it, honest, I'm gonna launch quick. किसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं निवेदन करूंगा प्रधान जी से, संजय प्रधान जी आए और मुख्य महासचिव चौधरी विजय पहलवान जी का स्वागत करें। जिला मुख्य मैं आगे कड़ी को बढ़ाते हुए अपने आगे कड़ी को बढ़ाते हुए मैं सब पाओ।
I feel ready, but my legs heavy, I don't get it. How come I haven't hit it already? Still working, I'm still learning, I'm still searching, finally earning something, finally turning something called a profit. If I hear you talking shit, don't get caught in it. I'll be popping off and hit your ass, dropping all your shit. Yeah, I promise this, I got promises, you ain't stopping this. Cross my shit, you'll be knocked unconscious, bitch. That's the consequence, I got this, I will not quit. Man, I'm on it, honest, I'm gonna launch quick, then I'm gone. It's just a matter of time before I'm over the prime and moving on. और उधर सुनील जी, हम सब लोग जो हमारे नए लोग हैं, स्वागत तो आज आप लोगों का था। अपने जो पदाधिकारी उन्हें बुला कर तुम्हारा स्वागत हम करेंगे। और आपका बहुत बहुत आभारी हूँ और YouTube चैनल की ओर से स्वागत है। आपने हमें इतना कीमती समय दिया, तो ये जो आपने व्यवस्था प्रोग्राम कराया किसान यूनियन का, इसके बारे में दो शब्द बताएं। मेरा नाम चौधरी शिव कुमार सहरावत जी। हम संगठन चला रहे थे पहले किसान यूनियन अम्बावता जी। हमने चौधरी साहब में आस्था रखते हुए जी जी भारतीय किसान यूनियन टिकट को ज्वाइन करा जी। पूरे जिले का संगठन जी, मैंने उसमें विलय कर दिया जी। और आज उसी के उपलक्ष्य में प्रदेश के और मंडल पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी लोग आए हुए थे जी। तो यहाँ नांगल सोती बस स्टैंड पर आज एक पंचायत का आयोजन किया गया था जी। जिस आयोजन में बहुत सफलतापूर्वक आयोजन हुआ जी जी जी। मंडल अध्यक्ष बाबूराम तोमर जी जी, प्रदेश उपाध्यक्ष जी चौधरी राजिंदर सिंह जी जी जी, जिला महासचिव विजय पहलवान जी जी, और तमाम ब्लॉक के और तहसील स्तर के पदाधिकारीगण आए हुए थे जी जी। पंचायत में बहुत सफल पंचायत रही जी। उसके बाद माननीय मंडल अध्यक्ष जी ने मुझे अपने साथ मंडल की कमेटी में मंडल उपाध्यक्ष मनोनीत किया जी, और डोरी पहलवान जी को मंडल सचिव मनोनीत किया जी। तो सब लोग अपना कंधे से कंधा मिलाकर सब लोग साथ चलेंगे और संगठन को मजबूत करने का काम करेंगे। किसानों की लड़ाई बहुत मजबूती से लड़ाई। तो जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं या जो भी कोई वीडियो देख रहा है, उसके माध्यम से आप अपने दो लाइनें क्या क्या संदेश देना चाहोगे जनता को? मैं तो यही संदेश देना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करो जी, और फॉलो करो जी। और किसान यूनियन जो किसानों का काम कर रही है, मजदूरों का काम कर रही है जी जी जी, बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा ले जी। किसानों का आदरणीय राकेश टिकैत जी का, आदरणीय नरेश टिकैत जी का हाथ मजबूत करो जी, तभी देश के किसान और मजदूर का भला हो सकता है। तो दो लाइनें, दो शब्द जो आप जनता को कहना चाहोगे किसान यूनियन के बारे में? आज भारतीय किसान यूनियन की नांगल कस्बा में यह मीटिंग हुई है और हमारे शिव कुमार जी अम्बावता संगठन को छोड़ के अपनी पूरी टीम के साथ यहाँ पहुँचे हैं। इनका इसमें स्वागत है और भारतीय किसान यूनियन को मजबूत करने के लिए हम सब एक मंच में हैं, किसानों की लड़ाई से मिलकर। मेरा नाम बाबूराम तोमर है, मंडल अध्यक्ष हूँ भारतीय किसान यूनियन टिकैत में। यहाँ नांगल क्षेत्र में संगठन को और मजबूती देने के लिए जो हमारे भारतीय किसान यूनियन अम्बावता के जिलाध्यक्ष थे, उन्होंने अपने पूरे जिले के जो पदाधिकारी थे उनका समावेश हमारे भारतीय किसान यूनियन में किया है टिकैत साहब के पास जाकर। और आज जो कुछ लोग रह गए थे जो जा नहीं पाए थे वहाँ, उनका सभी का हमने माला पहनाकर स्वागत किया और अपने संगठन में सबको जो है सदस्यता दिलवाने के लिए यहाँ एक कार्यक्रम आयोजित था, सभी का स्वागत किया है माला पहनाकर। शिव कुमार जी आए हैं, इनका भी बहुत स्वागत है और प्यार देकर सबको एक साथ लेकर काम करने। कोई भी व्यूवर्स या जो भी कोई देखना चाह रहा है, देख रहा है वीडियो को, तो आप जनता से क्या अपील करना चाहोगे? जनता से यही है कि हमारी भावनाओं को जो है समझें और किसानों के जितने भी जो छुटभैया संगठन हो रहे हैं इनकी बात तो मनाएं। एक ही संगठन भारतीय किसान टिकैत, इसी के साथ जुड़े, इसी को मजबूत करें। धन्यवाद साहब, आपने बहुत बहुत कीमती समय दिया। तो निखिल भाई जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना अच्छा कार्यक्रम दिया। दो लाइनें क्या कहना चाहोगे आप अपने दर्शकों को, हमारे व्यूअर्स को? जो आए यहाँ बहुत बहुत सबका स्वागत, धन्यवाद। और आप आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दिनकर भी हूँ, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। वीडियो देखें, वीडियो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और किसान यूनियन भाई, युवा नेता हमारे निखिल सहरावत जी, ग्राम चमोला, ठीक है, अपील करते हुए कि ज़्यादा से ज़्यादा किसान यूनियन में, और भाई का चैनल सब सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, तो भाई मिलता हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक लिए आप मस्त रहें, स्वस्थ रहें।